हेलो गाइस, तो बहुतों को है कि हम तो भाई ट्यूशन ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो देखो अभी कम्युनिटी वॉज थोड़ा सा शांत है, वो इसलिए मैंने संडे वार्ता के अंदर बता दिया। ओके, दूसरी बात ये कि आपको डेली क्विज होता है टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कि मैं 10-20 और इम्पोर्टेंट सवाल कर लूँ तो आप जुड़ सकते हो। आपको मैं डेली मॉर्निंग में टॉपिक बताती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन होता है, मतलब जैसे एक दिन राजस्थान जीके का हो गया, दूसरे दिन साइंस का कोई टॉपिक। तो जैसे कल हमने आभूषण से रिलेटेड क्विज करा था और इसका टाइमिंग है रात को 10 बजे, और देखो ये ऑन टाइम ही होता है। अगर आप रात के 10 बजे के बाद में कोई क्विज पे टिक करता है तो वो ओपन नहीं होता है, ठीक है। फालतू में ग्रुप में मैसेजेस और भर जाते हैं क्विज क्विज करके, है ना, और ग्रुप का कचरा हो जाता है। तो बेटर है ऑन टाइम मिला करो 10 बजे, अगर आपको क्विज खेलना है तो। क्विज के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज का टॉपिक था हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अगर किसी को करना है तो आप लोगों का सादर आमंत्रित हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आई थिंक 30 को, ठीक है, हो सकता है ये 1 को अपलोड हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ये 1 को देख रहे हो तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। देखो क्विज तो एक टाइम के बाद हट जाता है, बट जो क्विज में जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो आपको पेपर फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं आप क्विज नहीं खेलोगे। देखो क्विज का अपना एक अलग बात होती है कि आपको वहाँ पे टाइम लिमिट मिलती है, 30 सेकंड के अंदर भी, अंदर ही 15 सेकंड के अंदर ही आपको सवाल का आंसर देना है। तो एक वो आपका माइंड किस तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है ये चीज़ आपको पता चलती है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, राइट, और अगर आप लोग उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे 30 सेकंड में, जीके की बात कर रही हूँ, मुझे पता है साइंस में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर क्या मतलब है यार उसको पढ़ने का, इससे तो अच्छा मत ही पढ़ते। या फिर अगर आपका कोई सवाल गलत हुआ है आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप वो सवाल देखोगे तब तो गलत नहीं करोगे ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ लिया, ठीक है। तो आपको मेरे को यही बताना था। बाकी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था राजस्थान जीके के जो सवाल है वो कहाँ से करने चाहिए, तो देखो करने वाली तो बात ऐसी है कि जो दिशा 2020 आती है वो बेस्ट है, है ना, बट अभी इतना टाइम है नहीं, बट अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। इसके अलावा मैंने बता दिया उजाला के जो पेपर आते हैं RSMSSB बोर्ड के PYQs, और मतलब उजाला पब्लिकेशन का नाम है, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है, और RPSC के। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ RSMSSP के करो, क्योंकि आपका जो पेपर है लेव असिस्टेंट का वो RSMSSP ही लेने वाला है, ठीक है, और इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को यहाँ PhD करनी है, कि आप RPSC भी पढ़ो और RSMSSP भी पढ़ो। तो आपको मैंने बता दिया कि इससे रिलेटेड जो भी बातें थी, आई होप आपको इंटरेस्टेड लगी होगी। अगर समझ में आया होगा कुछ तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और हाँ, अब बहुत तरह के कमेंट आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं करती। कोई बोलता है कि ये सब चीज़ टेलीग्राम पे जोड़ने के लिए, अरे मत जोड़ो। अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाएगी, आप लोग आओ आराम से टेलीग्राम पे, बट आपको लगता है कि मैम सिर्फ आपको एड करने के लिए ही ये सब कर रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब एक बच्चा नहीं था ना उस ग्रुप के अंदर, तब भी वो ग्रुप चल रहा था अच्छा खासा, और आज उसमें 150 लोग होने वाले हैं तो भी वो टेलीग्राम ग्रुप अच्छा ही चल रहा है, और जब 500 भी हो जाएंगे ना तो भी वो अच्छा ही चलेगा। मैं नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से खुद दूर रहती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी तैयारी करते टाइम पे दूर ही रहो। बहुत से लोग आएंगे बोलने वाले, इतने फॉर्म आए हैं तुमने तो अब पढ़ाई शुरू करिए, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा कैसे कुछ नहीं होगा, आप चाहोगे तो ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ ये कि हर तरह की बातें होती है, कुछ बच्चे पे मतलब हद ही करते हैं, मतलब कि मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है नंबर दो, हद है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, वरना किसने बोला आपको चैनल पे आके वीडियो देखो, ये एजुकेशनल चैनल है। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हो और थोड़ा सा भी हो, देखो मैं ये सबको नहीं बोल रही, कुछ कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, बच्चे भी नहीं बोलूँगी क्योंकि बच्चे जो टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं वही होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बट फिर भी एक दो होते हैं। आपको पता है ना आजकल हर चीज़ वायरल होती है, जैसे कि अभी रीट की फाइनल कट ऑफ कितनी बार हुई है, तो ये अराजक तत्व बोलते हैं आई थिंक इनको, तो इनसे डिस्टर्ब होके आपके लिए कुछ ना करना, चैनल बंद करना बेवकूफ़ी होगा, और इतना इतनी बड़ी बेवकूफ तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो ये चैनल तो ऐसे ही चलता रहेगा, और इनके जो कमेंट आ रहे हैं अब मैंने डिलीट करना भी छोड़ दिया, खूब करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे मैम इतना गुस्सा क्यों, देखो कोई इंस्टा आईडी मांग रहा है, कोई नंबर मांग रहा है, कोई
मेरे को पर्सनल मैसेज करो। हद है यार, मतलब आदमी कुछ भी अच्छा करने की सोचे, मतलब क्या ही बताऊँ अब मैं। चलो रहन दो, क्योंकि काम की वीडियो तो यही थी। क्यूज का टाइमिंग क्या है, क्यूज कैसे किया जाता है, तो आपको पता चल गया ना, एक दिन राजस्थान जी के, एक दिन साइंस। और रही बात ये बकवास बातों की, तो देखो ये तो चलती रहती है लाइफ में, है ना। इनको भाव देना सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा काम होगा। तो इट्स ओके, 5-6 मिनट में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके okay?